नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल शंभो साउंड पर। और दोस्तों, राखी का त्यौहार है, आप सभी को राखी की शुभकामनाएं। त्यौहार का मौसम है, आप सभी खुश तो होंगे। आज हम बात करने वाले हैं प्लाज्मा कैबिनेट के बारे में, और एक वीडियो यूट्यूब पर आई है जिसका लिंक मुझे काफी दोस्तों ने भेजा था, तो उस पर कुछ घंटों में ही मैंने बता दिया था कि इस पर जरूर एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि इसमें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। अब क्या है दोस्तों, जब आपको कोई माल सेल करना हो और जो आपसे बेहतर माल बनाते हैं या बेहतर जिनकी क्वालिटी है, जिनका नाम है, उनको आपको नीचा दिखाना पड़ेगा अगर आपका माल नहीं बिक रहा है। मतलब सीधी बात है, आपका प्लाज्मा बिके इसलिए दूसरों के प्लाज्मा को खराब कहो। और ये जो भाई बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इनका एक्सक्लूसिव डिजाइन है, ये है, वो है, फॉर्मूला है, भाई तू चीजें बेच, यही तेरा काम है, बाकी तू कुछ नहीं जानता। अगर एक राम कथा 10 दिन की करने के लिए तुझे अकेले को भेजे, तू एक मिक्सर मैनेज नहीं कर पाएगा 10 दिन तक। बातें बड़ी बड़ी हाँकता है दुकान में बैठकर। ये महाराष्ट्र से ही है, इसे प्लाज्मा का पूरा इतिहास मालूम नहीं है। प्लाज्मा इससे 10-15 साल पहले भी पूना में यूज किया गया था, और तब भी पूना में उसे 4 ओम पर ही चलाया गया था, मतलब 2 स्पीकर एक चैनल पर और 2 स्पीकर दूसरे चैनल पर, और उस वक्त भी उसमें 5 इंच के वॉइस कॉइल यूज किए गए थे, मतलब 5 इंच वॉइस कॉइल वाले स्पीकर उसमें लगाए गए थे। हालांकि वो स्पीकर वहां के एक लोकल मैन्युफैक्चरर है उनके थे, लेकिन काफी बढ़िया स्पीकर है। आज भी उनके स्पीकर इतने कॉम्पिटिशन के बावजूद काफी बिकते हैं। तो ये रही बात प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा की एक पूरी हिस्ट्री है। लेकिन उन दिनों क्या हुआ कि प्लाज्मा उठाने के लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए एक बढ़िया कैबिनेट नहीं है। मैं तो उसे आज भी पसंद नहीं करता हूं, लेकिन जो ट्रेंड बनता है वो ट्रेंड के हिसाब से बिजनेस करना पड़ता है, नहीं तो आप पिछड़ जाते हो, आपका नाम मिट जाता है उस बिजनेस में। रही बात प्लाज्मा की, अब क्या हो रहा है, मतलब अब वीडियो में बताया गया है कि 10-1200 वाट के 4-7 स्पीकर लगाकर 2 ओम पर चलाए जाते हैं। तो इस घंटे को मैं बताना चाहता हूं कि ये पूना में जाके कोई भी सेटअप चेक कर ले, पूना में मिड के स्पीकर भी 2 ओम पर नहीं चलाए जाते। और ये चैलेंज है मेरा उसे, वो किसी भी वेल नोन सेटअप जाए, वहां पर वेल नोन सेटअप का नाम मुझे बताए, मैं यहां पर गया हूं और यहां पर मुझे 2 ओम पर मिड भी मिला है। बेस की तो बात छोड़ो, सबसे पहली और बड़ी बात प्लाज्मा की ये है कि प्लाज्मा अब जो ट्रेंड में आया है वो स्पेशली 21 इंच के स्पीकर के लिए आया है। अब आप अगर टॉप 10 साउंड जो पुणे में है उनके कैबिनेट चेक करेंगे बेस के, तो आपको सभी में 21 इंच के स्पीकर मिलेंगे। आप 20 भी चेक करोगे तो भी 21 इंच के मिलेंगे। अब अगर आप 50 सेटअप देख लोगे तो उसमें से कोई 1 या 2 सेटअप आपको मिल सकते हैं 18 इंच के कैबिनेट के साथ, मतलब 18 इंच वाले स्पीकर के प्लाज्मा के साथ। वो भी जो भाई है 18 इंच वाला, उसका एक तो बजट नहीं है या और कोई दिक्कतें है कि जैसे उसके पास पहले से 2000 वाट 18 इंच में अच्छे स्पीकर थे तो उसे बेचकर वो नहीं चेंज करना चाहता था। इसके अलावा और भी कई बातें हैं, जैसे कि 21 इंच प्लाज्मा अगर जब आप लगाते हो, यूज करते हो, तो उसमें बूमिंग और वाइब्रेशन ही है, पंच लगभग ना के बराबर है, क्योंकि उसमें 6 इंच के कॉइल होते हैं। तो ऐसे में आपके जो मिड लाइन है, टॉप लाइन है, वो काफी बढ़िया चाहिए। और टॉप लाइन में 21 इंच के साथ पूना में यूज करते हैं मिड रेंज ड्राइवर। मिड रेंज ड्राइवर क्या होता है, और इस भाई ने अब तक एक भी बेचा नहीं है, मतलब इसके दुकान में है नहीं अभी तो फिलहाल, पूरे इंडिया में ही उसका स्टॉक नहीं मिल रहा है। लेकिन ये काफी महंगा है और ये बिल्कुल HF जैसा ही दिखता है, लेकिन इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स 9000-8500 यहां तक ही होता है, जबकि HF का 18000 तक होता है। मतलब हम जो ट्रम्पेट हॉर्न में यूज करते हैं यूनिट्स या ड्राइवर यूनिट, जो आहूजा के हो या अदर ब्रांड के हो, उसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस होता है वो 6000-6500 तक होता है। उससे ये थोड़े ज्यादा फ्रीक्वेंसी रेंज तक काम करते हैं और इसमें बहुत ही लाउड आवाज आता है और ये कानों में चुभता है ये आवाज अगर ज्यादा हम यूज करें, लेकिन इसका थ्रो काफी दूर होता है। मतलब ऐसे 2 HF भी आप लगा दो तो 1 किलोमीटर तक तो आपकी आवाज क्लीन जाएगी, सुनने पर वहां बिल्कुल आसानी से सुनने को मिलेगी। मतलब बताने की बात यह है कि अगर आप 21 इंच पर अपडेट करना चाहते हो तो पहली बात आपका जेनसेट आपको काफी हेवी लगेगा, दूसरी बात आपके सारे बेस के एम्पलीफायर आपको
Z8 या उसके इक्विवेलेंट एम्पलीफायर लगेंगे। अगली बात, आपको टॉप लाइन में बहुत बड़ा अपग्रेड करना पड़ेगा, मतलब पूरा सेटअप भी चेंज हो जाता है अगर 18 से 21 पर कन्वर्ट करना हो। और ये भाई बता रहा है कि 1200 वाट के स्पीकर लोग उसमें लगाते हैं। भाई 1000 वाट के तो मिड रेंज 4 इंच वॉइस कॉइल वाले यूज कर रहे हैं आइसमैन वगैरह ब्रांड के लोग पुणे में, जो काफी अच्छा बजते हैं, और उसे भी कोई भी 2 ओम पर नहीं चलाता, हर कोई 4 ओम पर ही चलाता है। और इसने दूसरी एक बहुत ही गलत बात बताई है कि गाड़ी की हाइट नीचे से 1.5 फीट होती है और उस पर प्लाज्मा रखा जाता है। ये अपनी प्लाज्मा के हिसाब से बता रहा है, क्योंकि उसका प्लाज्मा इस लेवल पर रखा जाएगा तो भी ठीक ठाक बजेगा। मतलब एक्चुअली आप यूट्यूब पर जाके कोई भी सेटअप का वीडियो चेक कर लो, उसमें बड़ा ट्रक और उसके ऊपर प्लाज्मा सेट किए हुए होते हैं रोड शो के लिए। यहां तक कि मैंने भी प्लाज्मा बनाए हैं, मेरी गाड़ी में वो 3.5-4 फीट के ऊपर प्लाज्मा है, मतलब पूरी बॉडी के ऊपर ही है, 4 फीट होगा, लेकिन कन्फर्म मैंने उसका नाप नहीं लिया है, मैं किसी कम्युनिटी पोस्ट में वो बिठा दूंगा। तो ये गलत इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है अपने कैबिनेट को बढ़िया बताने के लिए। और इस बात से मुझे कोई दिक्कत नहीं कि वो अपने माल को अच्छा कहे, लेकिन इसके लिए वो पुणे के जो लोग कैबिनेट मैन्युफैक्चरर हैं, जिन्होंने ये प्लाज्मा अपने इंडिया को दिखाया है नए ट्रेंड में, इसका ट्रेंड बनाया है, उन लोगों को बदनाम करके उन्होंने ही जिस चीज को ट्रेंड में लाया है उसकी मार्केटिंग करना चाहता है, खुद पैसे कमाना चाहता है। और इसने जो कैबिनेट का डिजाइन इसका नजर आ रहा है वो भी कोई प्रॉपर डिजाइन नहीं है, उसमें कुछ खामियां जरूर है, लेकिन उस पर मैं बात नहीं करूंगा। और ये ऊपर से कैंसलेशन वगैरह बड़े बड़े वर्ड समझा रहा है, ये काफी गलत है। अब एक सवाल आपके दिमाग में ये आएगा कि 15 साल पहले अगर प्लाज्मा यूज हुआ था तो तब क्यों बंद हुआ और अब क्यों आ रहा है? तो इसका जवाब इसी के वीडियो में ही है, इसने जो डिलीवरी पैटर्न बताया है ना, इसमें ही है। क्योंकि आजकल पुणे में जब भी प्लाज्मा के सेटअप लगाए जाते हैं तो उसमें 90% क्रेन यूज किया जाता है प्लाज्मा रखने के लिए गाड़ी पर, और जो लोग इस तरह से हर बार क्रेन नहीं यूज कर सकते, उन्होंने अपनी गाड़ियों में फिक्स मोबाइल सेटअप, जिसे हम कहते हैं गाड़ी पर सेटअप लगाया हुआ है, तो उनको उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस तरीके से ये प्लाज्मा का सिस्टम चल रहा है। प्लाज्मा काफी रॉन्ग कैबिनेट है प्रोफेशन के हिसाब से, मैं इसके खिलाफ हूँ हमेशा, मैं काफी बार ये बोल चुका हूँ, ना ये ट्रांसपोर्टिंग में सही है ना ये हैंडलिंग के लिए सही है, लेकिन अब जो ट्रेंड बना है उसे कोई नहीं रोक सकता, जब तक ये ट्रेंड चलेगा तब तक चलेगा, हो सकता है अगले 1-1.5 साल में ये ट्रेंड खत्म भी हो, क्योंकि ऐसे ट्रेंड ज्यादा दिन नहीं चलते, और अगर चलता है तो हर किसी को इस पर आना ही पड़ेगा। और एक बात की, जो भाई चाहते हैं प्लाज्मा में अपडेट होना, वो 21 इंच में ही जाए और वो पूरा खर्च करने की पहले मेंटालिटी बना ले, क्योंकि 21 इंच में आपको मिड प्रेशर यूज करना, प्रेशर मिड जिसे कहते हैं, वो मिड रेंज ड्राइवर ही उसका टेक्निकल नाम है, लेकिन प्रेशर मिड यहाँ महाराष्ट्र में उसे कहा जाता है, आपको प्रेशर मिड और ज्यादा ऐसे पॉली टॉप लगाने पड़ेंगे, तब जाके 21 इंच का बेस के साथ आपका सेटअप सही बजेगा। मतलब आप जो रेगुलर टॉप, अब यही भैया जो आपको 18 इंच के स्पीकर के साथ प्लाज्मा का ज्ञान चोद रहा है, ये 2 mid 2 HF के टॉप के ऊपर अब तक टॉप नहीं बेचा है इसने, और प्लाज्मा के ऊपर आपको 2 mid 8 HF, 2 mid 12 HF, 2 mid 16 HF, 4 mid 16 HF इस तरह के टॉप यहाँ पुणे में डिजाइन होते हैं। अब ये सही तरीका है गलत तरीका है, इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट बढ़ रहा है, बिजनेस करने वालों को काफी इसमें मतलब तकलीफें झेलना पड़ता है, इतना पैसा कहाँ से जुटाए, एक एक टॉप 1.5 लाख से शुरू होकर 7-7 लाख तक का एक एक टॉप बनता है, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 30-30 हजार का एक एक 400 वाट वाला मिड रेंज ड्राइवर एक टॉप में 12-12 100 वाट के अच्छे अच्छे ब्रांड के एच एफ 12-12 लगाए जाते हैं, और उसके अलावा 12-13-14 हजार वाले स्पीकर 4-4 mid के स्पीकर उसमें यूज किए जाते हैं एक टॉप में। तो अगर पुणे के टॉप जो 5-10 सेटअप है उसका जितना बजट है, उसके बजट में इस भाई की दुकान में जो सामान है ना सारा, वो 2 बार हम खरीद सकते हैं एक सेटअप के बजट में, वो भी मैं विदाउट लाइट की बात कर रहा हूं। तो ये ऑन फील्ड कोई काम नहीं करना, कहीं सेटअप जाके देखना नहीं, कुछ नॉलेज नहीं, अपना दुकान में बैठ के लोगों को बदनाम करके अपना बिजनेस चमकाना है बस। तो ये इस तरीके की वो मतलब पुणे को बदनाम करो। और एक्चुअली मैं एक बात आपको बताना भूल गया, ये तकलीफ मुझे इसलिए नहीं हो रही कि मैं पुणे से हूं, मैं पुणे से नहीं हूं,
बहुत हमारे जो दोस्त है वो सोचते हैं कि मैं पूना से हूँ, लेकिन मैं पूना से नहीं हूँ। पुणे से मेरा गांव 150 से ज़्यादा किलोमीटर दूर है। लेकिन जो कोई गलत बोल रहा है वो गलत है। हालांकि जो मिड रेंज ड्राइवर और 21 इंच का ये प्लाज्मा का जो ट्रेंड है, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि ये हमारे जैसे लोगों के लिए, जो लोग इस फील्ड में बिजनेस करते हैं उनके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेटअप की लागत है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कई गुना बढ़ चुकी है। मतलब जैसे कि 25-30 केवी के जनसेट पर जो सेटअप चल जाते थे, आज मिनिमम आपको 62 केवी का जनरेटर हर किसी सेटअप पर नजर आएगा। मिनिमम, मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा 82 या 125 के काफी गाड़ियों पर है, लेकिन मिनिमम 62 केवी का जनसेट है जिसके पास भी प्लाज्मा है। तो आप समझ लीजिए इन्वेस्टमेंट कहां से कहां चला गया। हर घंटे जो चलाने के लिए डीजल चाहिए उसकी मात्रा भी 2-3 गुना बढ़ गई। और जो टॉप लाइन की मैं बात किया, टॉप लाइन में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अगर आपको बेस अपडेट करना है 21 इंच पर, एम्पलीफायर बढ़ गए। जो हाइपर Z8 एम्पलीफायर महाराष्ट्र में 82,000 का बिक रहा था, अब वो 1,07,000 में भी नहीं मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। मतलब इस तरीके की बात यहां पर हो गई है। अब Zyper Z8 लगा के प्लाज्मा वाले 1,200 वैट का स्पीकर चलाएंगे। दोस्तों और एक बात कि ये जो स्ट्रेटेजी है बिजनेस करने की, ये सेम इंस्पायर्ड है यम लैब से। यम लैब से मेरा मतलब आप समझ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। उस बंदे ने भी इसी तरह से कचरा माल लाकर बेचा, 100 लोगों को डीलरशिप दे दी, यूट्यूब पर भर भर के प्रमोशन कराया। कोई बात नहीं, ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। उसके एम्पलीफायर के बाद में इतने कंप्लेंट आए कि जो लोग बेचते थे उन लोगों ने बेचना बंद कर दिया। और मैंने आपको ये कब बताया था, पहले ही बताया था एकदम शुरू में, जब ये लोग भर भर के RCF के साथ उसका कंपेरिजन कर रहा था एक बंदा, तो उसने भी बेचना बंद कर दिया। जो बड़े बड़े और शाने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपना नाम खराब ना हो, उन सब ने यम लैब बेचना बंद कर दिया। ये भी बंदा ऐसा ही है कि दूसरी कंपनी को बदनाम करो, लगभग लगभग आधा दर्जन कंपनियों से ज्यादा कंपनियों के ऑनर के साथ इसका झगड़ा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहे। अपना पैसा, मेहनत का पैसा लगाने से पहले जरूर 2 बार सोच ले और फिर पैसा लगाए। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, और नहीं पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि क्या गलती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।